Hey guys, welcome back to your channel and welcome back to another video. So guys, today finally is the day जब मैं अपने पीछे के जो drums हैं गाड़ी के वो change करवा रहा हूँ, क्योंकि मुझसे वो थोड़ी थोड़ी जो आवाज़ आ रही है वो बर्दाश्त नहीं हो रही. तो आई डोंट नो, आपने मेरी पहले की सर्विसिंग वाली वीडियो देखी है कि नहीं, उसमें बताया था कि पीछे के ड्रम जो हैं वो थोड़ी आवाज़ कर रहे हैं. मैकेनिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रेक्स आर फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट ब्रेक मारने में थोड़ी आवाज़ आ रही है. तो चलाते रहो तो कोई टेंशन नहीं, बट मुझे वो आवाज़ इरीटेट कर रही है. तो अब मैं अपने ड्रम चेंज करवा रहा हूँ. तो मैंने जेन्युइन होंडा के ड्रम्स ले लिए हैं, मेरी गाड़ी में अभी पड़े हुए हैं. तो गैरेज चलते हैं, इनको चेंज करवाते हैं, प्लस मुझे इन्हें पेंट भी कराना पड़ेगा. पहले आगे और पीछे, मतलब ब्रेक कैलिपर्स पे और ड्रम पे येलो पेंट हुआ हुआ था, बट अब मुझे रेड करवाना है, बिकॉज जो आगे का मैं प्लान कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे अलॉय भी पेंट करवाने हैं, तो उसके कंट्रास्ट में रेड अच्छा लगेगा. तो चलो चलते हैं, ड्रम चेंज करवाते हैं, देखते हैं आज पेंट हो पाएंगे कि नहीं. उम्र भी अगर फ्री हुए और कोई काम इतना नहीं हुआ तो आज पेंट करा लेंगे, नहीं तो जब भी टाइम मिलेगा नेक्स्ट तब करवा लेंगे. तो चलो गैरेज चलते हैं, उसके बाद आपको ड्रम भी दिखाता हूँ और वीडियो स्टार्ट करते हैं. लेट्स गो. One hour later. So guys, I'm finally at the garage. अभी शाम हो गई है वैसे तो, बट ये पड़े हैं ड्रम जो मैं ले आया हूँ. सो दिस इज जेन्युइन होंडा. सचिन भैया एक बार निकालना. सो ये देखो, ये रहे ड्रम एंड दिस इज जेन्युइन होंडा. ये तो चलो इसको लगाते हैं. ओके गाइस, नए ड्रम लग गए हैं, तो अब इसको टेस्ट राइड पे लेके जाता हूँ और देखता हूँ आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही. सो लेट्स गो. सो गाइस, मैं पिछले 5-7 मिनट से गाड़ी चला रहा हूँ, टेस्ट राइड ले रहा हूँ, और अब ब्रेक बहुत बढ़िया लग रहे हैं. मतलब नॉइस तो अब आ ही नहीं रही बिल्कुल, प्लस जो ब्रेक रिस्पॉन्स है वो भी काफ़ी अच्छा हो गया है. पहले ना पैडल नीचे जाके ब्रेक प्रेशर फील होता था, ब्रेक मतलब लगते थे, अब ब्रेक पैडल ऊपर में ही लग रहे हैं, क्योंकि अगेन जो पुराना ड्रम था वो काफ़ी घिस गया था और अब जो नया ड्रम लगा है उसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है. तो बहुत बढ़िया ब्रेक लग रहे हैं, आवाज़ भी नहीं आ रही. बट हाँ, आज ड्रम और कैलिपर पेंट नहीं हो पाएंगे, बिकॉज उमर भी अब बिज़ी हैं, तो कल देखते हैं. तो फिलहाल मैं घर ही जा रहा हूँ शायद, तो कल गैरेज आता हूँ, कल इनको पेंट कराते हैं. सो आई विल कैच यू टुमारो, बट इन दिस वीडियो इन अ सेकेंड. 4 to 6 days later. So guys, this is not the next day, but next week, because उमर भी के पास टाइम ही नहीं था पिछले एक हफ्ते से. तो ये अपडेट जो आप देख रहे हो ये एक हफ्ते बाद का है. आज फाइनली अब गाड़ी के टायर खुल रहे हैं और आज इसके ड्रम और आगे कैलिपर रेड पेंट होंगे. सो लेट मी शो यू. सो एज यू कैन सी, उमर भैया टायर खोल रहे हैं, जैक आ गया है, घोड़ियाँ आ गई हैं, एंड एज यू कैन सी गैरेज पड़ा है खाली. आज कोई काम ही नहीं है, तो इसलिए आज आई है अपनी गाड़ी की बारी. तो चलो इसका टाइम लैप शुरू करते हैं. तो गाइस, पेंट करने से पहले इसकी अच्छी तरह उमर भैया सफाई कर रहे हैं, बिकॉज इस पर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, चिपचिपापन, ग्रीस वगैरह, यू नो, ऑयली होता है. तो अच्छे से इसकी सफाई हो रही है सैंड पेपर से और सरफ से. तो चारों की होगी, दोनों अगले कैलिपर, पीछे के ड्रम, एंड बिकॉज इस पर येलो पेंट हुआ है तो इस पर डायरेक्ट रेड भी नहीं मार सकते, वरना कोई और ही कलर बन जाएगा. तो उमर भैया शायद इस पर पहले वाइट मारेंगे या पहले प्राइमर मारेंगे, लेट्स सी.
तो पहले चारों की सफाई होगी, उसके बाद फिर पेंट शुरू होगा। ओके गाइस, उमर भैया ने इस पे बेस वाइट मार दिया है अच्छे से, एज यू कैन सी तो प्रॉपर किया है वाइट, बिकॉज रेड कलर अगर इस पे करते तो कोई और कलर बन जाता है येलो पे, एंड पीछे के ड्रम तो नए थे तो इसे भी बेस वाइट कर दिया है ताकि जब रेड मारे तो प्रॉपर रेड आए। और वैसे देखें ना तो वाइट भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ये देखो। बट मैं इसको वाइट नहीं रख सकता बिकॉज कंट्रास्ट देने के लिए ना थोड़ा अलग कलर होना ज़रूरी है, जैसे पहले येलो थे, बट अब जो मैं अलॉय का कलर करवाने लगा हूँ उसके साथ येलो अच्छा ही लगेगा, तो इसलिए रेड। अलॉय का कलर कौन सा होगा वो बाद में देखना जब वो वीडियो में होगा। तो वाइट हो गए हैं, अब रेड करते हैं। और अलॉय मैं चाहता हूँ कि टायर उतार के पेंट हो, बट वही है क्योंकि मेरे को गाड़ी रोज़ चाहिए होती है तो टायर उतार के यहाँ पे गाड़ी छोड़ भी नहीं सकते, तो उसका जुगाड़ भी कुछ करना है, उसका जुगाड़ भी होगा। सो स्टे ट्यून्ड, आगे की वीडियो ज़रूर देखना बिकॉज अलॉय पे मैं कुछ डिफरेंट करवाने लगा हूँ, वैसे इतना भी डिफरेंट नहीं है। एनीवेज पहले इसका रेड कलर करते हैं, वो वाला टॉपिक बाद वाली वीडियो के लिए छोड़ते हैं। सो गाइस चेक दिस आउट, दिस इज़ द रेड कलर विच आई एम गोना डू। देखो कितना ब्राइट है, इतना अमेजिंग लग रहा है यार। आई डोंट नो वीडियो में सही से आ रहा है नहीं आ रहा, जस्टिस हो रहा है कलर का या नहीं, बट ट्रस्ट मी गाइस दिस इज लुकिंग अमेजिंग। सर ये मेरा कमाल है, ये तो कलर का कमाल नहीं है, ये मेरा बोल हर दाम ना बोलता है, एक बार बोल दे ना, ये थोड़ा लांच लांच है। ओ आप समझता नहीं है, और क्या समझेगा, ये कलर का कमाल नहीं है, ये एक इंसान का कमाल है कि ऐसे पेंट करेगा। ये कौन सा कलर है, इसको अगर अंग्रेजी में बोलते हैं तो राइट बोलते हैं, और देसी भाषा में इसको लाल कहते हैं। क्योंकि मैं अपने जिस्म को अपने आवाज का नुमाइश नहीं करेगा, हम एक मजदूर आदमी है, मजदूरी करेगा हम अगर नहीं बढ़ना चाहता है जिंदगी। सो फाइनली गाइज कैलिपर पेंट हो गए हैं ब्राइट रेड, लविंग इट। ड्रम पेंट हो गए हैं, अगेन कैमरे में कुछ ज़्यादा ही चमक रहे हैं, कैमरे में इस कलर का जस्टिस नहीं हो पा रहा, बट इन पर्सन दे आर लुकिंग रियली नाइस। मतलब मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छे लग रहे हैं,
एंड जब अलॉयस पेंट होंगे जिस कलर के मैं चाहता हूँ, आई थिंक दीज विल लुक अमेजिंग। साथ में कंट्रास्ट बहुत अच्छा आएगा, प्लस थोड़ा सा पेंट बच गया था तो मेरी गाड़ी का जो कीचेन है वो मैंने उमर भैया को दे दिया, वो पेंट करने लगे हैं, वो दिखाता हूँ। सो गाइस, इट्स रियली हार्ड टू पेंट अ कीचेन लाइक दिस बिकॉज वो हवा से उड़ता रहता है। यू कैन सी वो जैसे ही स्प्रे मारते हैं वो अपनी डायरेक्शन बदल देता है। सो उमर भैया को बहुत वेट करके सही एंगल में मारना पड़ रहा है। मेनी आवर्स लेटर, सो गाइस, तकरीबन 2-2.5 घंटे सूखने के लिए छोड़ने के बाद आई थिंक दीज आर ड्राई नाउ। यस, ओ नाइस, चिकने हो गए एकदम, तो ड्राई हो चुके हैं। चलो टायर वापस फिट करते हैं, गाड़ी को नीचे उतारते हैं हवा में से। ओके गाइस, फाइनली टायर्स लगा दिए हैं और बारिश भी शुरू हो गई है, तो दिस इज़ लुकिंग लाइक दिस। तो अभी इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा, येलो वाले ज़्यादा ब्राइट और ज़्यादा अच्छे लगते हैं, नो डाउट, बट जो अलॉय का कलर होगा ना तो उसके साथ येलो अच्छे नहीं लगते, इसलिए रेड करवाए हैं। सो गाइस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर लाइक ज़रूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो देन सब्सक्राइब करें बिना मत जाना। और अगर बात करें कि ये पेंट कराने में टोटल कितना खर्चा आया, देन इट इज़ 2,000 रुपीज़ चारों पेंट करने में। पहले आपने देखा सफाई हुई, बेस कोट वाइट मारा, देन रेड किया, सो 2,000 रुपीज़। सो यस, दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, पीस आउट।